स्टूडेंट आई एम प्रेरणा योर होम साइंस में वेलकम यू ऑल माई यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन स्टूडेंट सभी का आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है स्टूडेंट जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ फिर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी अच्छे एंड यू नेट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं एंड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे ठीक है क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द कलर ऑफ क्लोदिंग सिंबल ऑफ गुड लक फॉर ब्राइडिस आपको बताना है कि कपड़ों का रंग जो प्रतीक को व्यक्त करता है के लिए सौभाग्य की बात है बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन आपके सामने है द कलर ऑफ क्लोदिंग विच एक्सप्रेस द सिंबल ऑफ गुड लक फॉर ब्राइडिस बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कपड़ों का रंग जो प्रतीक को व्यक्त करता है कि वधु के लिए सौभाग्य दिखाने वाला कलर कौन सा होता है बताइए बताओ भाई सब लोगों को आंसर करना है कपड़ों का रंग कौन सा होता है वो कपड़ों का रंग जो एक सौभाग्य का प्रतीक होता है वधु के लिए है ना ब्राइड के लिए तो क्या बनेगा आंसर यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेड कलर होता है ए क्या होता है स्टूडेंट्स रेड कलर होता है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर चलेगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा नौवारी शैली ठीक है क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या है नोवारी शैली ऑफ ड्रेपिंग साड़ी इज कॉमन विद पीपल फ्रॉम विच स्टेट आपको बताना है कि जो आपकी नोवारी शैली वाली साड़ी होती है वो किस राज्य की महिलाओं के लिए काफी कॉमन है जो उसको वियर करती हैं ओके तो बताइएगा आपको आंसर देना है कि जो नौबारी साड़ी होती है ठीक है ना नौवारी एक बेसिकली साड़ी को पहनने का तरीका है है ना सो so, जो नौवारी साड़ी होती है स्टूडेंट किस राज्य की महिलाओं के लिए काफ़ी कॉमन एक कॉस्ट्यूम है बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देख लीजिए महाराष्ट्र आसाम आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान सो so, बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा एंड ये आप सब लोगों ने देखी होगी मुझे लगता है बाजीराव मस्तानी पिक्चर अगर देखी है किसी ने तो वो वो है ना गाना इंगा निपोरी पिंगा निपोरी वो गाना देख लेना तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है कि वो कैसी साड़ी आपको देखने में लगती है तो बता दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेपिंग साड़ी की नौबारी शैली आम है किस राज्य की महिलाओं के लिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के महिलाओं के लिए ठीक है जी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ये साड़ी किसके लिए फेमस है महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए फेमस ओके चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए हाउ मैनी बैड्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ फ्लैट बैड निटिंग मशीन आपको बताना है एक फ्लैट बिस्तर बुनाई मशीन में कितने बेड रखे जा सकते हैं बताइएगा आपको पता है निटिंग एक प्रोसेस होता है कपड़े को बुनने का है ना क्या होता है स्टूडेंट कि जो निटिंग होती है वो कपड़े को बुनने का एक प्रोसेस है बेसिकली आपका जो कपड़ा है जब बुना जाता है सो विविंग या निटिंग किसी एक के थ्रू बुना जाता है वीविंग में आप लोग जानते हो इंटरलेसिंग होती है निटिंग में आप लोग जानते हो इंटरलूपिंग होती है निटिंग की एक मशीन है जिसका नाम है फ्लैट बैड निटेड मशीन ठीक है ये एक ऐसी मशीन है स्टूडेंट जिसे ज़्यादातर जो आउटर वियर होते हैं है ना बाहर पहनने के कपड़े जो आउटर वियर होते हैं उनको बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है है ना एंड इसमें जो आपका जो बेड वाला पोर्शन होता है जो फ्लैट वाला एरिया है काफी बड़ा होता है इसलिए इसका नाम है फ्लैट बेड निट इन मशीन यानी कि इस तरीके से काफी फ्लैट सरफेस होता है जहाँ पे काम किया जाता है ओके सो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कितने बैड्स होते, है, हो होते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन और टू बैड्स होते हैं ओके क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट वन और टू बैड्स होते हैं ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज फॉर तो एक्सप्रेशन ऑफ जूट फाइबर आपको बताना है कि जूट के पौधे का कौन सा वो भाग है स्टूडेंट जिससे जूट फाइबर का निर्माण किया जाता है और निर्माण के लिए उसे उपयोग किया जाता है बताइएगा सब लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विच पार्ट ऑफ़ द जूट प्लांट इज यूज फॉर एक्स्ट्रेक्शन ऑफ जूट फाइबर बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे बताओ भाई जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए यानि कि तना जो तना है स्टूडेंट उसको यूज़ किया जाता है जूट फाइबर बनाने के लिए ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कल्टिवेशन वॉर्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल इज रिक्वायर्ड आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पौधे के लिए खेती की जाती है उष्ण जलवायु और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है बताइएगा भाई आपको इनमें से ना किसी एक प्लांट की खेती करनी है और उसकी खेती करने के लिए एक तो आपको क्या चाहिए गर्म आपको क्लाइमेट चाहिए यानी कि वातावरण गर्म चाहिए प्लस काली मिट्टी चाहिए वो आपका इनमें से कौन सा पौधा होगा बता दो भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर और जहाँ पे हमें मिल जाए नाम काली मिट्टी वहाँ पे आंसर क्या लगाना होता है कपास लगाना होता है है ना कॉटन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस वॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आपको बताना है कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में हमेशा गलत फहमियाँ बनी रहती थी आखिर वो किस चीज को लेकर बनी रहती थी इनमें से बताइएगा भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये पता है कि अंग्रेज जो थे स्टूडेंट और जो भारतीय थे उनके बीच में हमेशा कुछ गलत फहमी बनी रहती थी है ना झगड़े भी होते थे उस चीज़ को लेकर आखिर वो किस चीज को लेकर होते थे क्या मुद्दा था जिसकी वजह से उनमें झगड़े होते थे बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन सब लोग देख रहे हैं मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जो अंग्रेज थे ना जब वो भारतीयों को किसी से मिलवाते थे किसी अधिकारी से या उससे तो वो हमेशा कहते थे कि टोपी उतारो टोपी उतारो और जूते उतारो है ना उनसे कहा जाता था टोपी उतारो और जूते उतारो बट भारतीय लोगों ने ना अपनी पहचान बनाने के लिए अपने मान लीजिए अपने किसी पर्टिकुलर रीजन को अगर वो दिखाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने हमेशा मना किया कि टोपी नहीं उतारेंगे जूते नहीं उतारेंगे है ना तो हमेशा जो ये विवाद चला अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में वो पगड़ी और जूते को लेकर चला ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा किस चीज़ को लेकर चला स्टूडेंट पगड़ी को लेकर और जूते को लेकर ये विवाद हमेशा चला है अंग्रेज़ों के बीच में और इसके ब्रिट जो मान लो आपकी इंडियन है उनके बीच में पर जब तक थे तब तक ये चला अब तो खैर नहीं है बट ये चला था तो ये क्वेश्चन अच्छा है एंड यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है विच इंटरनल कम्युनिकेशन आपको बताना है कि कौन सी रणनीति आंतरिक को प्रभावित करती है संचार को बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है जो आंतरिक संचार को प्रभावित करती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ऑफ इट्स ओन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेजेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी ऑफ इट्स ओन डिपेंड्स अपॉन द मीडिया बताइएगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कौन सी ऐसी रणनीति है जो की आपके इंफ्लुएंस करती है इंटरनल कम्युनिकेशन को आंतरिक कम्युनिकेशन को बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर सब लोगों को आंसर देना है क्वेश्चन परफेक्टली फिट बैठते हैं यूजीसी नेट लेवल के लिए तो वैसे ही आपको इन्हें सॉल्व करना है ठीक है ना क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है थोड़ा एलिमिनेशन लगाना है क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी और इट्स ओन स्ट्रैटेजी यानी कि खुद की रणनीति प्लस संगठन की रणनीति दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन में खुद की रणनीति भी करेगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति भी इक्वल ही करेगी ओके okay? चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज आपको बताना है द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ठीक है सो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा संचार की क्रिया को इस रूप में भी जाना जाता है किस रूप में भी जानते हो स्टूडेंट आप संचार की क्रिया को एफिलेशन ट्रांसमिशन टेलीऑपरेशन एंड फोर्टिफिकेशन बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग आंसर देंगे एफिलेशन ट्रांसमिशन टेली ऑपरेशन एंड फोर्टिफिकेशन अब बात किसकी चल रही है संचार की चल रही है संचार की क्रिया है ना जो संचार की क्रिया है उसे किस रूप में भी जाना जाता है स्टूडेंट क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर ट्रांसमिशन के रूप में भी जाना जाता है ठीक है अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रांसमिशन के रूप में भी हम जानते हैं कम्युनिकेशन को ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेड इन अ फ्री एटमोस्फेयर विदाउट रिजिडिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द फॉर्मल स्कूल्स एंड कॉलेजेस अब यहाँ क्या लिखा है फ्री एटमोस्फेयर पहली बात तो इस पर फोकस करना है विदाउट रिजिडिटी है ना यानी कि कोई रिजिडनेस नहीं होती कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते है ना जैसे कि फॉर्मल स्कूल्स में होते हैं एंड कॉलेजेस में होते हैं तो so बताइएगा वो कौन सी एजुकेशन होगी तीन शब्द यहाँ पे लिखे हैं और तीनों से आंसर समझ में आ रहा है आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बता दो भाई क्या होगा आंसर नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन एंड द क्लासरूम एजुकेशन क्या होगा भाई आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट नॉन फॉर्मल एजुकेशन ओके ये कौन सी शिक्षा होती है भाई जो कि औपचारिक स्कूलों और कॉलेजों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की कठोरता से बिना मुक्त वातावरण में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का एक प्रकार कौन सा है अनौपचारिक शिक्षा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन का वो प्रकार है जो कि फ्री होती है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से और एक फ्री एटमॉस्फेयर में दी जाती है अकॉर्डिंग टू द लर्नर चॉइस अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड अकॉर्डिंग टू द लर्नर इंटरेस्ट है ना एंड वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ओके okay? चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन देखिएगा

तो इसको जनरली एक पॉपिट्री करती है एक डमी करती है क्या कहा जाता है इस पूरे एक्ट को ये आपको बताना है फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को हिंदी में मंच शिल्प का एक कार्य जिसमें एक व्यक्ति अपनी आवाज़ बदल देता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवाज़ कहीं और से आ रही है आमतौर पर एक कठपुतली डमी द्वारा ये किया जाता है बताइएगा ये क्या कहलाता है ठीक है आपको बताना है कि बताइए ये क्या कहलाता है ठीक है ना क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं आप बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा वेंट्रिलोकिज्म अध्यात्मवाद क्लिप काधिकारम एंड बोमालट्टम बताइएगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि क्वेश्चन काफी नया है पपिट्री से ही एक क्वेश्चन है बट थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा गया है क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए वेंट्रियो किज्म आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेंट्रियो किज्म ये एक तरीके का स्टूडेंट पता है स्टेज क्राफ्ट एक्ट होता है ठीक है क्या होता है स्टेज क्राफ्ट एक्ट होता है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान को बिना बोले सब कुछ एक्सप्रेस करना होता है यानी कि वो बिना होठ हिलाए बोलता है इसलिए जनरली उसके फेस को एक पेंटिंग की तरह सेट कर दिया जाता है कि जो वो इमोशंस दिखाना चाहता है वो फेस से दिखते हैं अगर आंखों में से खून बहता हुआ दिखा रखा है तो मतलब दुखी है बड़ी सी स्माइल दिखा रखी है मतलब खुश है सो फेस पेंटेड रहता है स्टूडेंट एंड वो होठ बंद रखते हुए बोलता है ठीक है ना और ऐसा लगता है कि वॉइस कहीं और से आ रही है तो ये एक्ट जो होता है इसे बैंट्रोक्रिजम के नाम से जानते हैं ओके okay, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जर्नल पब्लिक फ्रॉम द मीडिया इज नोन एज आपको क्या बताना है द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जर्नल पब्लिक फ्रॉम द मीडिया इज नोन एज सामान्य को सूचना का संचलन मीडिया से जनता के रूप में जाना जाता है बताइएगा मीडिया से जनता के रूप रूप में स्टूडेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं क्वेश्चन देख लो द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक फ्रॉम द मीडिया भाई आपकी जो जनरल पब्लिक है उससे मीडिया तक आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बताइएगा क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर जनरल पब्लिक फ्रॉम द मीडिया भाई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो जनरल पब्लिक से मीडिया तक क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको पब्लिसिटी कहेंगे ओके okay? प्रचार कहेंगे पब्लिसिटी कहेंगे ये ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है प्रचार कहा जाता है पब्लिसिटी कहा जाता है ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है आउटडोर एडवरटाइजमेंट कैन बी एडवर्टाइज इन एवरीथिंग एक्सपर्ट बताइएगा क्वेश्चन है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कैन बी एडवर्टाइज इन एवरीथिंग एक्सेप्ट क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर कि भाई आउटडोर विज्ञापन किया जाता है सब कुछ है सबसे किया जाता है बस एक को छोड़ के वो एक क्या है जिसे छोड़ के किया जाता है बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा जब आप आउटडोर विज्ञापन करते हो इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन का तरीका नहीं है बाकी सारे हैं तीन ऑप्शन तो आउट वो विज्ञापन का तरीका है बट एक ऐसा है जो विज्ञापन का तरीका नहीं है वो तरीका क्या नहीं है ये आपको बताना है तो बताइए क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से है सो so, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में जहाँ पे कुछ नए टर्म होते हैं स्पेशली यूजीसी नेट में आते हैं क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कि जो शैक्षिक संस्थान होते हैं वो आउटडोर पब्लिसिटी का मीडिया नहीं होते हैं ठीक है, है ना क्या नहीं होते स्टूडेंट जो आपके शैक्षिक संस्थान होते हैं स्कूल कॉलेजेस ये सब आपके पब्लिसिटी का मीडिया नहीं होते हैं एंड यहाँ पे एक नया टर्म आपके सामने है गोरीला एडवर्टाइजिंग ये क्या होता है तो so स्टूडेंट जब हम एक अनकन्वेंशनल मेथड का यूज़ करते हैं यानी कि कुछ प्राचीन तरीके से एडवर्टाइजमेंट ना करके हम कुछ नया शॉकिंग एक तरीके से एडवेंचरस टाइप का जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं वो आपकी गोरीला एडवर्टाइजमेंट होती है जैसे कि अगर किसी को मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खाना है या मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं सो एक पोस्टर लगाने से बेहतर है कि अगर आप उसे रोड पे बड़ा सा बर्गर बना दोगे या बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ बना दोगे तो ध्यान उस पर सबसे ज़्यादा जाएगा लोग उसे देख के ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो वही इसका एग्जाम्पल हो सकता है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आपको बताना है कि अगर आप अपनी रिसर्च में सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा अब रैंडम सैम्पलिंग आप जानते हैं ना ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है जिसमें हर सैंपल को चुने जाने की एक समान संभावनाएं है होती हैं है ना इसलिए इसे संभावना वाली एक शैली भी कहा जाता है तो एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें हर सैंपल के चुने जाने के इक्वल चांसेस हों है ना जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हो तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एक्सीट्स रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट रिस्पॉन्डेंट्स आर चूजन बाई इंटरव्यूअर्स इन्फॉर्मेंट प्रैक्टिस फ्रीडम बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा अगर आप रैंडम सैम्पल्स के थ्रू अपनी सैंपलिंग को सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट बताइए भी जल्दी से आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट कि आपको जो परिणाम मिलेंगे वो काफी सटीक मिलेंगे ओके okay? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो सैंपल होगा वो वैसा सैंपल होगा जो रिप्रेजेंट करने वाला हो जब सैंपल रिप्रेजेंट करने वाला होगा तो आपके जो परिणाम आएंगे वो भी बिल्कुल उचित आएंगे और उनमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो तुलना भी कर सकते हो है ना ये सारी चीजें हो सकती हैं तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट यानी कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी एक व्यक्ति रेंडम सैम्पलिंग का चयन करता है तो उसके रिजल्ट में काफ़ी एक्यूरेसी होती है इन कंपैरिजन टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल को चुनते हैं वहाँ पे हम अपना फ़ायदा देखते हैं सो वहाँ रिजल्ट हमेशा इनवैलिड रहते हैं ओके okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सैंपल सिलेक्शन इज आपको बताना है प्रतिदर्श चयन में सबसे छोटा तत्व कौन सा होता है बताइएगा भाई देखो मैंने आपको हमेशा एक डायग्राम समझाया है ये गोला बना दिया बड़ा सा तो ये बन गई पॉपुलेशन ये गोला बना दिया इसके बीच में तो ये बन गया सैंपल फ्रेम है ना ये छोटा गोला बना दिया ये बन गया सैंपल और अब आपको इसके अंदर की बात बताऊं तो जब आपने अपना सैंपल चुन लिया तो सैंपल के बाद क्या चुनोगे सैंपल साइज चुनोगे जैसे मान लीजिए मुझे 50 लोगों पे सर्वे करना है तो 50 क्या हो गया मेरा सैंपल साइज हो गया है ना 5000 क्या हो 500 क्या हो गई मेरी पॉपुलेशन हो गई 500 में से मैंने 50 लोगों को चुना तो ये मेरा सैंपल साइज हो गया इन सैंपल साइज में से हर एक व्यक्ति मेरी क्या कहलाएगा सैंपल यूनिट कहलाएगा बस इतना फंडा याद कर लो सैम्पलिंग में यही होता है है ना सैंपल यूनिट सैंपल साइज सैंपल फ्रेम पॉपुलेशन ये वर्ड बहुत कॉमन है जो सैंपलिंग में बार बार आपके सामने आएंगे तो मान लीजिए 500 लोगों की पॉपुलेशन में से मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पाँच लोगों को या पचास लोगों को सर्च कर रही हूँ या उन पर काम करना चाहती हूँ तो पाँच हो गई पॉपुलेशन यानी कि टारगेट पॉपुलेशन एंड पचास हो गई मेरी सैंपल साइज ठीक है और इस सैंपल साइज में से हर एक व्यक्ति कहलाएगा मेरी सैंपल यूनिट ओके क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे सैंपलिंग यूनिट क्योंकि यही तो होती है ना अभी आपको बताया था ना कि 50 लोगों को आप चुन रहे हो तो हर एक व्यक्ति मेरी सैंपल यूनिट होगा और सैंपल यूनिट सबसे छोटी होती है ओके okay? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज from एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैन बी डिटरमाइंड बाय आपको बताना है कि अपेक्षित आवृत्तियों में से देखी गई आवृत्तियों का अंतर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है फ्रीक्वेंसी है आपकी ठीक है दो फ्रिक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट वो किसके द्वारा देखा जाता है ये आपको बताना है तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा फ्रिक्वेंसी है दो दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच में जो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है किसके द्वारा मेजर किया जाता है टी टेस्ट के द्वारा एफ टेस्ट के द्वारा टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल के द्वारा या फिर स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के द्वारा बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करोगे इसके लिए बताइए भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर देखिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और ये वो टेस्ट होता है स्टूडेंट जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें दो वेरिएबल्स जो होते हैं ना उनके बीच में वो रिलेटेड हैं आपस में या नहीं है ये चीज़ जाननी होती है ओके okay, हमारे पास दो चर हैं और दो चरों के बीच में हम ये जानना चाहते हैं कि आपस में उनमें कोई कनेक्शन है या नहीं कोई रिलेशन है या नहीं उसके लिए स्टूडेंट हम किसका इस्तेमाल करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा के okay, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट काई स्क्वायर टेस्ट ओके क्यों इस्तेमाल करते हुए इसका दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जानने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैजुअल क्वेश्चन आस्क ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आर नोन एस आपको बताना है कि भाई इंटरव्यू के दौरान ना जो कैजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है बताइएगा एक साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न क्या कहलाते हैं आपको बताना है कि भाई किसी का इंटरव्यू चल रहा है आप कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हो उन्हें किस नाम से जाना जाता है जो बिल्कुल कैजुअल क्वेश्चन है ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूं कि वॉट डू यू लाइक टू मोस्ट अबाउट दिस क्लास है ना मैंने आपसे पूछा कि वॉट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस क्लास आपको इस क्लास के लिए सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है है ना तो आपका ये क्या हो गया मैं गहराई में कुछ जानना चाहती हूँ डेप्थ में कुछ जानना चाहती हूँ कुछ क्लैरिटी में लेना चाहती हूँ तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तब आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके okay, सो so ये कुछ वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको इन डेप्थ कुछ जानने में मदद करते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्रोब ओके okay, ऐसे क्वेश्चन को हम प्रोब के नाम से जानते हैं ठीक है ना ध्यान से देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए पूछे जाते हैं प्रोब इन्हें कहते हैं ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर साइकोमोटर स्टडी आपको बताना है कि साइकोमोटर अध्ययन के लिए इनमें से क्या सही है बताइएगा इट डील्स विद साइकोलॉजी इट मेजर्स फीलिंग्स इट डील्स विद फिजिकल स्किल्स सचेस मूवमेंट स्ट्रेंथ एंड स्पीड इट मेजर्स इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा जो साइकोमोटर अध्ययन है निम्नलिखित में से कौन सी चीज उसमें शामिल है क्या चीज़ उसको लेकर सही है बताइए क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग बताएंगे स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए भाई जल्दी से किस चीज से संबंधित है आपकी ये साइको मोटर अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साइको मोटर 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 समझ लो मोटर वर्ड कहाँ यूज किया जाता है जहाँ गति होती है ओके okay? ये ध्यान रखिएगा जहाँ भी हम मोटर वर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पे क्यों करते हैं स्टूडेंट क्योंकि वहाँ होती है गति और गति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह शारीरिक कौशल से संबंधित है जैसे आंदोलन शक्ति और गति है ना क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर इट डील्स विद फिजिकल स्किल्स सच एस मूवमेंट स्ट्रेंथ एंड स्पीड ओके यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ये डील करता है फिजिकल स्किल्स के साथ जैसे कि मूवमेंट स्ट्रेंथ एंड स्पीड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज संसाधन प्रबंध की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन आपके सामने है देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज

क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्यों हमें तत्काल आवश्यकता है संसाधन प्रबंधन की क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई ओके जी क्या हो जाएगा सही आंसर संसाधन आपूर्ति में सीमित हैं ओके रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है स्टूडेंट तो हमें उन्हें बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए बहुत ही सस्टेनेबली उनका यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो हमारे पास संग्रहित भी रह सकें हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और आने वाली जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर सके तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस फॉर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस आपको बताना है कि व्यवसाय शुरू करने के क्रम की पहचान कीजिए बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको एक व्यवसाय शुरू करना है तो उसका जो एक स्टार्टअप प्लान होगा वो क्या होगा ऑप्शन दिए गए हैं रिसर्च रजिस्ट्रेशन फंडिंग फॉर बिजनेस स्टार्टअप सेटिंग अप अ बिजनेस अकाउंट राइटिंग अ बिजनेस प्लान सींग एन अकाउंटेंट बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई क्वेश्चन देख लो अच्छे से कि आपको क्या करना है व्यवसाय शुरू करने के क्रम की पहचान करनी है तो आप व्यवसाय को शुरू करने का क्या क्रम फॉलो करोगे क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा भाई थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है थोड़ा टाइम टेबिंग क्वेश्चन है क्यों टाइम टेकिंग है क्योंकि आपको यहाँ सीक्वेंस लगाने के लिए कहे गए हैं एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हमेशा टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स बताइएगा अब ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग आपके सामने ऑप्शन भी अवेलेबल है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भाई स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है कैसे होगा सबसे पहले आप क्या करोगे अनुसंधान करोगे रिसर्च करोगे उस एरिया के बारे में हर वो चीज़ जानने की कोशिश करोगे जो ज़रूरी है जो आपके काम की है देन आप व्यवसाय योजना को लिखोगे यानी कि आप एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करोगे जो आपको काम करना है उसकी एक योजना बनाओगे ठीक है फिर आप क्या करोगे बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको पैसा चाहिए होगा रॉ मटेरियल मनी चाहिए होगी सो फंडिंग करना शुरू करोगे ठीक है देन आप लोग क्या करोगे सूर्य अब देखो हमने इतना काम कर लिया अब हमें क्या करना है कि एक खाता स्थापित करना है यानी कि एक हमें बिजनेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसके लिए हम फंडिंग जो लेंगे वो कहाँ आएगी बिजनेस अकाउंट में आएगी तो हमें एक खाता ओपन करना होगा ठीक है फिर हम क्या करेंगे एक अकाउंटेंट को ढूंढेंगे ठीक है अकाउंटेंट को ढूंढने के बाद हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे ओके सो ये स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं है ना ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट ये सारे स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे फॉलो करने पड़ेंगे है ना इस तरीके से आपका जो ये सिक्वेंस है ये फॉलो होगा ठीक है अनुसंधान किया जाएगा एक बिजनेस प्लान होगा है ना उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट आप उसके बाद एक स्टार्टअप के लिए फंडिंग अरेंज करोगे फिर एक अकाउंट ओपन करोगे एक लेखाकार को ढूंढोगे फिर एक क्या कर दोगे रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है है ना रजिस्ट्रेशन कराना आपका एंडिंग पॉइंट रहे इतना आप लोगों को याद रखना है ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल फॉरफुलरशिप बताइएगा एक अच्छे उद्यमिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड कौन सा है बताओ भाई एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुड बी मोर देन टसेंट प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेस टू द एम्प्लॉय सेलेक्शन ऑफ द रॉ मटीरियल क्या होगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा सब लोगों को आंसर देना है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ भाई जल्दी से कम संख्या में रोजगार कर्मचारी के है ना वा, वापसी की आंतरी दर बारह प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना कच्चे माल का चयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानदंड क्या बनेगा स्टूडेंट एंड यूज़ीसी नेट का पेपर हो और आपका इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन का आंसर बनेगा कच्चे माल का चयन करना सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एक उद्यमिता की सफल होने के लिए एक आपकी किसी भी बिज़नेस के सफल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका रॉ मटेरियल का सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए बहुत ओवर कॉस्टेड नहीं होना चाहिए बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए जो शॉर्टेज हो जिसकी जो टाइम पे अवेलेबल हो जाए ईजिली अवेलेबल हो जाए ऐसा आपका मटीरियल आपको चुनना चाहिए ओके okay? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आपको बताना है निम्नलिखित में से विस्तार शिक्षा की क्या विशेषता नहीं है नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है स्टूडेंट्स तो so, मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई विस्तार शिक्षा की क्या विशेषता नहीं है अडेप्टेबिलिटी हैप्पीनेस कोलेबोरेशन सेटिस्फैक्शन बताइएगा खुशी संतुष्टि सहयोग अनुकूल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बताओ भाई अडेप्टबिलिटी कोलेबोरेशन सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर अब देखो तीन वर्ड यहाँ पे बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है अडेप्टबिलिटी कोलेबोरेशन एंड सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हैप्पीनेस क्योंकि हैप्पीनेस इंटरप्रनोरशिप या फिर आपका मान लीजिए सॉरी एक्सटेंशन एजुकेशन जो आपका ये एक क्वालिटी यहाँ दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दी गई है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है ये तीनों वर्ड कनेक्टेड है अनुकूलशीलता अनुकूल हो जाना किसी भी समस्या के अकॉर्डिंग किसी भी कार्यक्रम के अकॉर्डिंग खुद में अडेप्ट करना उसे अच्छे से है ना एंड देन कोलेबोरेशन साथ में काम करना सहयोग के द्वारा सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि प्रदान करना है ना जो आपको पता है कि कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू होता है एट लास्ट ग्रामीण जनता को संतुष्टि मिलनी चाहिए यही हमारा मेन एम रहता है यही आपके यहाँ क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस ओके okay? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको बताना है कि इनमें से नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है है ना बताइएगा इट इज़ वेल प्लान एंड नो नीड ऑफ एनी एजेंसी इन्वॉल्वमेंट एज टाइम एंड करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस नो नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड करिकुलम बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा एंड नॉट वाला ऑप्शन आपको चुनना है जो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन की वो आपको बताना है सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बताइएगा एक बार हिंदी वाले बच्चे भी देखिए क्वेश्चंस को और मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा रहिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे बताओ बताओ जल्दी से क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी नहीं है यही आपका गलत आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन और यहाँ दिया गया है कि भागीदारी नहीं होती तो यही आपका आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाए ओके चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं चलिए क्वेश्चन आपके सामने है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन दिस फेमस क्वेटो बताइएगा आपको बताना है कि भाई शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है यह प्रसिद्ध उदाहरण किसके द्वारा व्यक्त किया गया था बताओ भाई ये लाइन जो है आपकी ये जो कोट है आपका ये किसके द्वारा दिया गया है कि भाई शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है किसके द्वारा कहा गया कथन है स्टूडेंट रविन्द्रनाथ जी के द्वारा या फिर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर इंदिरा गांधी जी के द्वारा बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग आंसर देंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वामी विवेकानंद जी महात्मा गांधी जी इंदिरा गांधी जी क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद जी ओके यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे थोड़ा सा लेवल में आप मान सकती हूँ क्वेश्चन का बट ये तो करना पड़ेगा है ना हमें नेट की भी तैयारी करनी है हमें बाकी तैयारी भी करनी है तो ये तो हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट जागृति ओल्ड शी मेट विद अ टेरेबल कार एक्सीडेंट विद हर पेरेंट्स एंड शी वॉज ट्रैप्ड विद इन द कार फॉर फाइव आवर्स लेटर इन हर लाइफ शी डेवेलप्ड क्लस्ट्रोफोबिया दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दैट एरिया ऑफ रिसर्च वेयर इट इज प्रिडिक्टेड That how early childhood experience may act as risk factor for later diagnosable psychological disorder name the concerned area of research question आप लोगों ने देख लिया अच्छे से बड़ा लंबा चौड़ा question है ना and question खुद में बस इतनी कहानी कह रहा है कि भाई एक बच्ची है 5 साल की जिसने बचपन में ये देखा कि कार एक्सीडेंट हो गया उसके मम्मी पापा उसमें उनकी डेथ हो गई वो लड़की तीन साल तक उस कार के अंदर फंसी रही ठीक है उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आने वाली जिंदगी में एक बीमारी पकड़ ली बीमारी का नाम था क्लस्ट्रोफोबिया तो आपको बताना है कि भाई एक बचपन की बीमारी एक भविष्य में आगे जाके एक व्यस्क अवस्था की बीमारी भी, भी बन जाती है क्या या उसे प्रभावित करती है क्या ये अगर चेक करना है तो कौन सी रिसर्च इससे संबंधित होगी ये आपका क्वेश्चन है चलिए एक बार आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिखाऊंगी पर पहले ऑप्शन देख लीजिएगा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से आपको एक ऑप्शन का चयन करना है कि जो आपकी ये जिस एरिया की ये रिसर्च की बात चल रही है वो एरिया आखिर रिसर्च का कौन सा एरिया होगा ठीक है चलिए अब एक बार आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिएगा जो हिंदी वाले बच्चे हैं जिससे वो भी कंफर्टेबल हो जाएं जब जागृति पाँच साल की थी तब उसके माता पिता के साथ एक भयंकर कार दुर्घटना हुई और वह पाँच घंटे तक कार के भीतर फंसी रही बाद में अपने जीवन में उसने क्लस्टर ऑफ ओविया विकसित किया इसे शोध के उस क्षेत्र द्वारा समझाया जा सकता है जहाँ यह भविष्यवाणी की जाती है कि बचपन की शुरुआती अनुभव बाद में में निदान योग्य मनोवैज्ञानिक विकारों के लिए के लिए जोखिम कारकों रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं अनुसंधान के संबंधित क्षेत्र का नाम बताइएगा तय सूर्य कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है आपके क्वेश्चन का सही आंसर बताओ भाई सब लोग पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को एंड आंसर लगाओ स्टूडेंट क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है है ना क्या हो सकता है स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान के क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर विकासात्मक मनोविज्ञान आपका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ठीक है एक बार ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा डेवलपमेंटल साइक्लोपैथोलॉजी ओके ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर बट यहाँ पे एक बात हमें पता होनी चाहिए कि एक बीमारी का नाम यहाँ बताया गया है क्लस्टरोफोबिया ये क्या होती है है ना किस बीमारी को हम कहते हैं स्टूडेंट क्लस्टरोफोबिया ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है है ना एंड अगर ये क्लस्टर ऑफोबिया के बारे में ही हमें नहीं पता तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई सो so, क्लस्टर ऑफ़ोबिया का मतलब है स्टूडेंट के एक प्रकार का फोबिया होता है ठीक है ये क्या होता है एक प्रकार का फोबिया होता है स्टूडेंट और ये फोबिया किस चीज़ का है कि जब आप किसी सिचुएशन से किसी ऑब्जेक्ट से डर जाते हो और आप उससे बहुत ज़्यादा डर आपके मन में बैठ जाता है आप उस सिचुएशन से भागना चाहते हो वो आपकी क्या कहलाती है क्लस्टर ऑफोबिया कहलाती है तो so बेसिकली एक तरीके का डर ही होता है ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है वन ऑफ द सिम्टम बेस्ड डिसऑर्डर फेस बाय चिल्ड्रन मीन्स बताइए जो एन्यूरेसिस है एक बच्चे के द्वारा सामना किए जाने वाले लक्षण आधारित विकार का मतलब है किस चीज से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट एन्यूरेसिस बताइएगा आपके सामने टर्म दिया गया है कि जो एन्यू है वो किस बीमारी से जुड़ा हुआ एक सिम्टम है जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बैड वेटिंग स्लीप टेकिंग स्लीप टॉकिंग एंड स्टैमरिंग स्लीप वॉकिंग बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बैड वेटिंग स्लीप टॉकिंग स्टैमरिंग एंड स्लीप वॉकिंग क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ये जो एन्यूरेसिस है स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान अपने यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शंस पे कंट्रोल खो देता है यानी कि उसका जो कंट्रोल है उसके ब्लैडर मूवमेंट पे नहीं रहता ब्लैडर मूवमेंट क्या होते हैं यूरिन वाले है ना सो so, यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए आपके जो मूवमेंट होते हैं उसे ब्लैडर मूवमेंट कहते हैं तो जब एक बच्चे का उसके यूरिनरी ब्लैडर मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है ना वो स्थिति एन्यूरेसिस कहलाती है तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बैड वेटिंग यानी कि वो बिस्तर फिर गीला करना शुरू कर देता है है ना क्या करने लगेगा बिस्तर को गीला करना शुरू कर देगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फॉर अ चाइल्ड निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के लिए ठीक मोटर क्वेश्चन का उदाहरण है बताइए अब यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स को ठीक लिखा हुआ है बट ये क्वेश्चन का ही एरर है आप इसे समझ लीजिएगा कि फाइन मोटर स्किल्स को आप क्या समझ सकते हो सूक्ष्म वाले है ना सूक्ष्म वाले जो स्किल्स होते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फॉर अ चिल्ड्रन किकिंग रनिंग ड्राॅइंग एंड क्लाइंबिंग बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सूट जो तो आपके फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे में तो देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर बनेगा ड्राइंग बच्चा जब ड्राइंग करता है ब्रश पकड़ेगा ना या कलर पकड़ेगा तो इस तरह से करेगा तो उसने अपनी फाइन मसल्स का यूज किया है ओके okay? चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है विच साइंटिस्ट वॉस ऑफ दिस विच साइंटिस्ट वॉज ऑफ दिस ओपिनियन दैट द सोशल इंट्रैक्शन आर द ड्राइविंग फोर्स इनगनेशन डेवलपमेंट बताइएगा आपको बताना है विच साइंटिस्ट वॉज ऑफ दिस ओपिनियन भाई किस साइंटिस्ट की ओपिनियन थी दैट द सोशल इंट्रेक्शन आर द ड्राइविंग फोर्स इन कागनेटिव डेवलपमेंट ये जो आपकी क्या होती है स्टूडेंट संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंत क्रिया एक प्रेरक शक्ति होती है ये कथन आपके किस वैज्ञानिक ने दिया है बताइए स्केनर ने डसोन ने वैगोटी ने एंड पियाचे ने बताओ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा Which scientist was this opinion that the social interaction are the driving force in cognitive development? So social interaction पढ़ लो भाई हमेशा मैं कहती हूँ कि एक ना एक आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा पॉइंट जो आपका काम कर जाएगा है ना वो एक पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी होगा एंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा वाई गॉड्स की है ना क्योंकि हमें एक टर्म सही से समझ में आना चाहिए जिस टर्म को देख के हम अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सके आंसर बन जाएगा ये किसके द्वारा कहा गया कथन है के द्वारा चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम आर एट हायर रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आपको बताना है कि भाई जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किस बीमारी का खतरा ज्यादा बना रहता है बताओ भाई आपको बताना है कि जो बच्चे आपके कौन से होते हैं जो आपके बच्चे हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो वो किस बीमारी के खतरे में ज्यादा रहते हैं अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है देखो स्टूडेंट डाउन सिंड्रोम ना बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है है ना जीन से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर ये समझ जाइएगा कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जीन से जुड़ा हुआ क्या होता है डिसऑर्डर होता है और ये क्रोमोसोमल है एक तरीके का क्रोमोसोम से रिलेटेड है क्रोमोसोम होते हैं पर जिस बच्चे में होता है, वो 46 नहीं बल्कि 47 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है ओके okay? इतना ध्यान रखेंगे कि जिस बच्चे में ये समस्या होगी वो बच्चा 46 नहीं बल्कि 47 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है ठीक है ना अब यहाँ पे बात आ जाती है क्वेश्चन के आंसर की आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉग्निशियल हार्ट डिसीज ऐसे बच्चे को जन्म से ही जो हृदय की बीमारियाँ होती हैं उनके होने का खतरा बना रहता है अच्छा यहाँ पे एक नया टर्म और मेंशन है जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया ये होता क्या है स्लीप तो, एपनिया है ये होता क्या है स्टूडेंट ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसमें एक व्यक्ति की नींद में कभी तो एकदम सांस रुक जाती है और कई बार एकदम सांस तेज आने लग जाती है तो ये जो आपकी समस्या है इसे स्लीप एपनिया कहते हैं ये व्यक्ति सो रहा है सोते सोते अचानक से सांस रुक गई और फिर अचानक से सांस तेज आने लग गई तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर होता है ओके चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रेकर ट्रेकोलिन सिंड्रोम बताइएगा ट्रैचर कॉलंस सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है नाम से देखो फिर एक नई बीमारी है ट्रेचर कॉलेंस सिंड्रोम इसको लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है आपको बताना है कंडक्टिव हार्ट लॉस हियरिंग लॉस है ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड हाइपोथायरिज्म अनिमिया कोग्निशियल हार्ट डिसीज क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर तो ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम है इससे जुड़ा हुआ क्या चीज सही है स्टूडेंट बताइए सब लोगों को आंसर देना है कि आपका ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम से जुड़ी हुई क्या चीज आपकी सही है स्टूडेंट ठीक है आपको बताना है क्वेश्चन के आंसर ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है कॉन्जक्टिव इरिंग लॉस हाइपथारनीमियाग्निशियल हार्ट डिसीज एंड क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा यहाँ पे हाइपर थायरडिज़्मी जी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपर थारिज्म आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंड अब एक क्वेश्चन और आ जाता है दिमाग में कि ये ट्रैचर कॉलिन सिंड्रोम है क्या ये भी तो पता होना ज़रूरी है न कि ट्रैचर कॉलिन सिंड्रोम होता क्या है स्टूडेंट ये ना एक तरीके का सबसे भयानक जिसे कहते हैं एक ऐसा अनुवंशिक बीमारी है ठीक है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है स्टूडेंट ये जो बहुत भयानक है इसमें आपको पता है जो बच्चा है बच्चे का मुंह और उसका सिर कुछ अलग सी आकृति ले लेता है कुछ अलग सी शेप ले लेता है कई बार इतनी समस्या आ जाती है बच्चे को कि वो खा भी नहीं पाता बोल भी नहीं पाता मान लीजिए किसी का चेहरा ऐसा है ना चेहरा उसका इतना लंबा हो जाएगा आगे से ऐसे हो जाएगा उसका मुंह किसी का मुंह यहाँ से बढ़ जाएगा किसी का मुंह यहाँ से बढ़ जाएगा मतलब अजीब सी अब नॉर्मल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है चेहरे का आकार ही बदल जाता है इसको कहते हैं ट्रैचर कॉलिन सिंड्रोम सो so, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैम आज की क्लास हमें कैसी लगी ओके तो देखिए आपका होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्वेश्चन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ओके okay, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं स्टूडेंट ऑप्शन को आपको देखना है एंड आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा लगा जल्दी से लाइक like शेयर कीजिएगा स्टूडेंट रेगुलर मेरे साथ जुड़ना ना भूले मेरी यूट्यूब क्लासेस पे एंड आप लोगों को आज भी मैंने पाँच पी शायद प्रोवाइड की हैं पाँच से छः पी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर आप लोगों को मिल रहे हैं सो so मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना भी ना भूलें जिससे कि आपको ये पी मिल सके क्योंकि ये सारी पी डी मैं वहां पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा मैम इस नाम से आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा एंड होम साइंस जंक्शन के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे तो बाय स्टूडेंट्स गुड नाइट टेक केयर कल फिर से मिलते हैं